हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और यहाँ पे हम देखने वाले कंटिन्यू पार्ट जो वीडियो का था हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो किस तरह से सॉल्व करना है उसका सेकेंड पार्ट है ये हमारा, ठीक है। तो इसको यूलर मॉडिफाइड मेथड भी बोलते हैं और आर के मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। आर के मीन्स रंग कुट्टा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो दोनों में से कोई भी चीज़ पूछ सकता है, तो आप कन्फ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तो उसको किस तरह से इस वीडियो में हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। हेलो एवरीवन, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ODE को सॉल्व करने का, यूलर मॉडिफाइड मेथड इसको बोलते हैं और इसको रंग कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करना, एकदम ईजी स्टेप है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं ये याद होना चाहिए बस, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें Y1 फाइंड करना होगा, तो जिसमें हमें Y0 क्वेश्चन में दिया होगा, HV क्वेश्चन में दिया होगा और FxY भी क्वेश्चन में दिया होगा। जो DY/DX होता है वो हमारा FxY होता है, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना होता है Y1 डैश, ठीक है। तो Y1 डैश में भी ये हमारे पास फॉर्मूला है, Y0 जिसमें दिया होगा क्वेश्चन में, HV दिया होगा, ये भी दिया होगा और X1 Y1 हम फाइंड कर लेंगे। Y1 तो यहाँ से मिल जाएगा और X1 फाइंड करने का एकदम इजी तरीका है, उसमें X0 में H जोड़ देंगे तो X1 मिल जाता है, तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे आराम से। फिर उसके बाद हमें निकालना होता है Y1 डबल डैश, ठीक है। मतलब डबल डैश भी इसको बोलते हैं और सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो Y1 सेकेंड ऑर्डर निकालना है इसका, तो क्या आएगा Y0 + H सब सेम रहेगा, पूरा इसके तरह सेम है, सिर्फ क्या चेंजेस होगा Y1 के जगह पे यहाँ पे जो भी नया वैल्यू आएगा इसका ये यहाँ पे पुट करना होगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर सेम आ गया आंसर, समझ लो इसका सेम आ गया, इसका भी सेम आ गया डेसिमल के बाद, समझ लो अप्रॉक्स 3 डेसिमल सेम है। तो आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है, अगर नहीं आया सेम तो आपको आगे भी इसके बढ़ना पड़ेगा, यही सीरीज अप्लाई करना पड़ेगा। समझ लो मुझे Y13 तक जाना पड़ेगा, अगर मतलब ये दोनों का सेम नहीं आया तो मुझे आगे भी जाना पड़ेगा। तो ये तो सेम ही रहेगा पूरा, जैसा कि ऊपर है सेम ही रहेगा, हर चीज़ सेम रहेगा, X0 Y0 भी रहेगा प्लस X1 भी वही रहेगा, बस ये Y1 चेंज होगा, जो भी नया वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे हम, तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू से आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। तो एग्जांपल लेते हैं और ये फॉर्मूले आप याद कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो इस यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये क्या बोल रहा है कि यूज़ यूलर मॉडिफाइड मेथड और RK सेकेंड ऑर्डर। तो इसको रंग कुट्टा सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, यूलर मॉडिफाइड भी मेथड बोल सकते हैं। तो इसमें फाइंड क्या करना, वाई और DY/DX दिया हमें और ये दिया Y(1) = 2 व्हेन X = 1.5 1.2 और H का क्या लेना है स्टेप्स, हमें 0.2 लेना है, ठीक है। तो सब चीज़ दिया है, तो आपको ऐसा है ये क्या होता है हमारा DY/DX क्या होता है, FxY होता है, FxY क्या होता है log, जो भी DY/DX होता है वो FxY होता है, ठीक है। तो log X + Y और हमें ये जो दिया रहता है Y(1) = 2 तो Y के साथ जो रहता है वो X0 होता है और Y को अपोजिट में जो होता है Y0 होता है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, X0 दिया है कितना 1 और सॉरी Y0 कितना दिया है 2 और H कितना दिया है हमें 0.2, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें दी है, तो हम क्या करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले Y निकालना है ना। तो Y निकालने के लिए मैंने जैसे कि पीछे फॉर्मूला दिए थे, तीन फॉर्मूले दिए थे आपको। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था हमारा Y(1) का फॉर्मूला था हमारे पास, तो हम Y(1) निकाल लेते सबसे पहले, Y(1) फर्स्ट स्टेप Y(1), ठीक है। तो Y(1) का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Y(1) Y0 + H X X0 Y0, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था किसका, Y(1) के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था। तो अभी क्या क्या इसमें दिया है वो सब इसमें पुट कर दो, ठीक है। Y0 हमें पता है इतना 2 पुट कर दिए, प्लस H पता है हमें 0.2 मल्टीप्लाई, FxY भी पता है हमें लेकिन X0 Y0 के फॉर्म में, देखो यहाँ पे कितना है FxY पता है log X + Y, तो यहाँ पे पुट कर दो log, लेकिन X के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 0 + Y0, X + Y की जगह पे X0 Y0 पुट कर दिया, ठीक है। तो 2 + 0.2 मल्टीप्लाई log X0 कितना है हमारे पास 1 + Y0 कितना है 2, ठीक है। तो 2 + 0.1 मल्टीप्लाई log 3, तो log 3 कितना होता है कैल्सियम में देखेंगे हम,
तो लॉग थ्री देखो, यहाँ पे कैल्सियम में लॉग भी है, एलेन भी है। तो अब जो बुक में लॉग होता है वो ई बेस का होता है, तो ई बेस का होता है तो एलेन हमको पुट यहाँ पे करना पड़ेगा। एलेन एलेन क्या होता है, ई बेस का होता है, और लॉग यहाँ पे कैलकुलेटर में 10 बेस होता है, तो वो अलग आएगा आंसर से हमारा, ठीक है। तो एलेन थ्री इक्वल टू दबाए तो कितना आ गया, 2 + 0.2 × 1.0986। हरदम हमें 4 डिजिट लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 + 0.2 × 1.0986 कितना आ गया यहाँ पे हमें, 2.2197, ठीक है। ये हमारा क्या मूल्य, हमें Y1 मिला, ठीक है। तो आप साथ ही में एक चीज़ और निकाल लीजिए, मतलब इसमें ये वाले सम में जितना भी आएगा, तो इसमें X0 है, हमें Y0 भी है, Y1 भी, X1 भी निकाल लो। X1 का फॉर्मूला होता है X0 + H, ठीक है। X1 का क्या फॉर्मूला होता है, X0 + H, तो कितना आ जाएगा, X0 हमें कितना है 1 + H कितना है 0.2, तो कितना आ गया 1.2। तो X1 हमें जो मिला कितना मिला, 1.2, और सब चीज़ मिल गया हमें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर लिए, अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, सेकेंड स्टेप आपको मैंने जो फॉर्मूला दिया था वो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जो प्रीवियसली जो जो चीज़ें फाइंड की थी मैंने उसको डेटा ऊपर लिख दिया वहाँ पे, X0 Y0 H X1 Y1, ठीक है। तो अब सबसे पहला दूसरा स्टेप क्या था हमारा, Y11 निकालना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, Y0 + H/2 (F(X0, Y0) + F(X1, Y1), ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है, Y1 निकालने का। तो जो जो चीज़ दिया हमें पुट कर दो इसमें, Y0 कितना था हमारे पास, 2 + 0.2 / 2 (F(X)y, ये इसको फाइंड कर लेते हैं। और F(X)y क्या था हमारा, log X + Y था, तो X0 + Y0, ठीक है। जो भी चीज़ था यहाँ पे पुट कर दिए प्लस, अब यहाँ पे क्या जाएगा, log X1 + Y1, ठीक है, क्योंकि log F(X)y क्या था हमारा, log X + Y था, तो log X1 Y1 क्या होगा, X1 + Y1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी यहाँ पे 2 + इसको मैं डिवाइड कर दूँगा तो कितना जाएगा, 0.1 × यहाँ पे क्या जाएगा, log X0 Y0 कितना है, 1 और 2, तो कितना जाएगा, 3 + log X1 Y1 कितना है हमारे पास, X1 ही है Y1 ही है, तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो कैल्सियम में ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट इसको, 2.2197, ठीक है। तो इसको कैल्सियम में ऐड करने की जरूरत नहीं है शायद से, और कितना हो जाएगा, 3.4197, ठीक है, 3.4197। तो इधर में मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ऐड करने पे कितना आएगा, 3.4197, ठीक है, मैं डायरेक्टली पुट कर दिया इसको। अब ये दोनों का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालना है तो आपको पता है लॉग लॉग यहाँ पे क्या होता है, कैल्सियम में एलेन होता है, तो LN3 कितना है, सॉरी LN3 कितना आएगा, 1. यहाँ पे लिख देता हूँ 1.0986 + अभी इसका फाइंड कर लेते लॉग कितना होगा, तो LN3.4197 कितना आएगा, 1.2295। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, कितना आएगा, 1.0986 + 1.2295, ऐड करने पे कितना आएगा, 2 + 2.1 × ऐड करने पे कितना है, 2.3281, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली कैलसी में, 2 + 0.2 2 sorry 0.1 × 2.3281 कितना आ जाएगा, 2.2328। तो हमें Y(Y1) कितना मिला, 2.2328 मिला, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, थर्ड इटरेशन में जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो इसको मैं, आप कॉपी कर लीजिए, इसको रफ करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड इटरेशन हमारा क्या है, Y(1) मतलब सेकेंड ऑर्डर, और बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट में डैश आ जाएगा ऊपर, ठीक है, जो भी नया वैल्यू था वो यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, Y(0) हमें पता है 2 + H पता है हमें 0.2 / 2, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, log X0 + Y0, क्योंकि इसका जो आंसर था हमारा क्या था क्वेश्चन में, था log X + Y था, तो log X + Y की जगह पे X0 Y0 यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस इसका भी क्या आ जाएगा, log X0
देखो यहाँ पे एक्स एक्स का वैल्यू एक्स वन है तो यहाँ पे एक्स वन लिखा प्लस, यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, वाई डैश है तो वाई वन डैश है, ठीक है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। वाई के जगह पे क्या है यहाँ पे, वाई वन डैश, इसके लिए मैंने प्लस में वाई वन डैश लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, टू प्लस इसको कैंसिल किया तो 0.1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, और लॉग एक्स जीरो वाई जीरो कितना है, एक्स जीरो वाई जीरो इज वन प्लस टू इज थ्री, थ्री प्लस लॉग एक्स वन कितना है हमारा 1.2, और वाई डैश वन हमने निकाला अभी पिछले इटरेशन में कितना था 2.2328, ठीक है, वो आ गया था। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे हम डायरेक्टली अभी, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं ऐड करता हूँ अगर, तो कितना आएगा 3.4, और 3.4328, 3.4328, ठीक है, ऐड कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम निकालते हैं, 2 प्लस 0.1 ब्रैकेट लॉग 3 का आंसर कितना था, ln 3 1.0986 प्लस इसका आंसर कितना था, ln 3.428, सॉरी गलत डाल दिया थोड़ा, 3.4328 कितना आ गया इसका आंसर, 1.2333, ठीक है, इतना आ गया। तो अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं हम, 1.0986 प्लस 1.2333 कितना आ गया आंसर, 2 + 2 + 1 = 0.8, 2.3319। अब इसको हम कैलकुलेशन कर दे डायरेक्टली, 2 + 0.1 = 2.3319 कितना आ गया, 2.2331, ठीक है, 9, सॉरी 2.3319, तो 19 है तो इसको बहुत अप्रॉक्स है तो 20 के, तो इसको डायरेक्टली मैं 2 ही लिखूँगा, ज़्यादा उसको वो नहीं करूँगा, ठीक है, तो 2 ही आएगा हमारा। तो ये कितना गया, वाई डैश 2 कितना है, इतना आया हमें, ठीक है, और वाई वन डैश अपना कितना था, 2.2328 था, ठीक है। तो अभी भी वो बराबर नहीं आया, मतलब अप्रॉक्सीमेट इक्वल नहीं आया, चारों डिजिट सेम आना चाहिए, मतलब पहले कितना आया था, वाई वन डैश कितना आया था, 2.2328 आया था, और अभी कितना आया, 2.2332 आया। तो हमें और आगे स्टेप जाना पड़ेगा यहाँ पे, अगर सेम आ जाता तो यहीं पे स्टॉप हो जाता, लेकिन अभी और आगे स्टेप जाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आएगा सिर्फ। अभी यहाँ पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आप इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके। अभी हमें थर्ड फोर्थ इटरेशन में भी जाना पड़ेगा, फोर्थ जो थर्ड हमें निकालेंगे y-3, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये रफ कर देता हूँ मैं जो जो पार्ट है, कुछ हाँ रफ कर देते हैं, ये पार्ट तो ऊपर का सेम ही रहने वाला है तो उसमें रफ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे y0 हमें पता है, एच भी पता है कि ये x0 y0 भी पता है, लिख दिए। अब यहाँ पे log x1 + y(2), ठीक है, y(2), क्योंकि y के जगह पे y1-2 आएगा, ठीक है। तो 2 + 0.1 डिवाइड करने पे log यहाँ पे क्या आ जाएगा, x0 y0 कितना था, 1 और 2, तो 3 आ जाएगा डायरेक्टली, प्लस log x1 कितना था हमें, 1.2, प्लस x1-2 कितना था हमारे पास, 2.2 कितना आया था हमारा, 2332, हाँ 32 था, ठीक है, 2332। इसको ऐड करेंगे डायरेक्टली तो कितना आ जाएगा, 2 + 0.1 = log 3, log इसको ऐड करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 3.4332, ठीक है। अब इसका लॉग फाइंड करेंगे, इसका भी लॉग फाइंड करेंगे, 2 + 0.1 इसका लॉग फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, ln 3 इज 1.0986 प्लस इसका ln फाइंड करेंगे तो 3.4332 कितना, 1.2334, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 1 = 0.1 × इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.0986 प्लस 1.2334 कितना आ गया, 2.332। इन दोनों को ऐड कर देते हैं डायरेक्टली हम, मल्टीप्लाई प्लस है, 2 + 0.8 × 0.1 × 2.332 कितना आ गया,
देखो 2.2332 आ गया। तो ये देखो अभी इसके पहले का जो इटरेशन था उसका ही वैल्यू इतना आया था, अभी भी जितना इटरेशन है उसका ही वैल्यू सेम आया। तो मतलब यहाँ पे अभी हमें इटरेशन को स्टॉप करना है। तो जो भी हमारा वैल्यू था अप्रॉक्सीमेट वाई का जो हमें फाइंड करना था वो किसके इक्वल होगा, ये आंसर वाई। जो भी हमारा जो इटरेशन सेम आने लग जाता है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना था, वाई का वैल्यू इतना मिल गया हमें, ठीक है। तो जब हमारा एक्स 1.2 के लिए हमें निकालना था आंसर, ठीक है, तो एक्स 1.2 पे वाई का वैल्यू हमें इतना मिला, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो अभी इसमें एडिशनल पार्ट क्या आ सकता है, मतलब कि ये सम तो हो गया 6 मार्क्स के लिए, अभी अगर 8 मार्क्स का सम देना ही है इसको यूज, मतलब एग्जाम में अगर 8 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए पूछा तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेगा। और थोड़ा सा क्या चेंजेस करेगा मालूम है, जो हमारा क्वेश्चन था बोला था कि फाइंड करो, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तब मैं सेम सॉल्व करना रहेगा आपको, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो चेंजेस क्या रहेगा, यहाँ पे बोला था कि एक्स 1.2 पे फाइंड करो वाई का वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास। तो हमने क्या किया, ये इटरेशन सॉल्व किया, जो भी आंसर आया वो हमें मिल गया, ठीक है। अभी वो साथ में क्या बोल देगा कि एक्स 1.2 पे फाइंड किया ना, ऐसे अभी एक्स 1.4 पे फाइंड करो, बोलेगा कि एक्स 1.2 पे फाइंड करो, एक्स 1.4 पे भी फाइंड करो, दोनों पे फाइंड करो। तो आपने क्या किए, एक्स 1.2 पे तो फाइंड कर लिए सेम, जो भी आंसर आया मेरा एक्स वाई वाई मिल गया हमें एक्स 1.2 पे, तो सेम ही सॉल्व किए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, सिंपली जो भी हमारा जिसके लिए फाइंड करना था, किसके लिए फाइंड करना था, एक्स 1.2 के लिए फाइंड करना था, तो ये अभी इसके लिए एक्स 0 क्या हो जाएगा 1.2, और जो मेरा आंसर आया वो वाई 0 हो जाएगा इसके लिए 2.2332। तो एक्स 0 है हमारे पास, वाई 0 है हमारे पास, तो अब इसको सेम तीन जो हमने स्टेप सॉल्व किए वो अब एक्स 0 वाई 0 इस इन दोनों को लेके सॉल्व करना है। जो भी आंसर आएगा वो मेरा एक्स 1.4 के लिए होगा, जो भी वाई का वैल्यू आएगा वो एक्स 1.4 के लिए होगा, ठीक है। मतलब जो भी जो नया चीज़ आया है हमें, मतलब जिसके लिए फाइंड करना था उसको एक्स 0 मान लेंगे और जो आया है उसको वाई 0 मान लेंगे। तो दोनों को सेम क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बन गया, तो उसको सॉल्व करेंगे तो वो एक्स 1.4 के लिए हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये 10 मार्क्स के केस में होता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक